Hi friends, good evening all of you in my channel YouTube Unacademy। और आज का जो चैप्टर है हमारा मिनरल्स का होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में अपडेट किया था, जो टॉपिक है हमारा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आपका UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन Unacademy पे। तो जो क्लासेस हैं और जो फीस का स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताना चाहूँगा पहले में, और उससे पहले मैं देखना चाहूँगा मैं लाइव सेशन पे आ रहा हूँ या नहीं। अगर कोई साउंड की प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता देना, अदरवाइज लेट्स टॉक। देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट तो आना शुरू हो गया है ऑलमोस्ट। एडवर्टाइजमेंट आने का मतलब है कि क्लास का जो परफॉर्मेंस है या जो क्लास है वो सही चल रही है। तो दोस्तों, ये दूसरे मोबाइल पे मैंने लगा रखा है और एक बार देख लेते हैं। YouTube Unacademy पे मैं लाइव स्ट्रीमिंग हूं या नहीं। मिनरल्स का टॉपिक, एग्जैक्टली लेट्स स्टार्ट। दोस्तों स्वागत है आपका YouTube Unacademy पर। मेरा नाम है कृपा शंकर और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। और Unacademy, एज यू नो, इट इज इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां भारत के किसी भी शहर में रहकर कहीं से भी सिस्टमेटिक ढंग से पूरी कर सकते हो। और इसके अलावा जो है, लेट्स क्रैक UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस विद हिंदी ऑप्शनल, और मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों ज्योग्राफी बाईलैंगुअल में, भूगोल हिंदी में। और जो आप ये राइट हैंड टॉप पे देख रहे हैं, ये Unacademy का सिंबल है जो आपका इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और आजकल अगर आप IPL देख रहे होंगे तो ये उसमें भी एक को स्पॉन्सर की तरह काम कर रहा है। तो दोस्तों, UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में Unacademy आपको प्रोवाइड कराएगा कुछ क्लासेस फ्री में, ठीक है, और कुछ क्लासेस होंगी पेड। और जो मेरा नाम है दोस्तों कृपा शंकर है। और इसके अलावा UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए Unacademy प्रोवाइड क्या कराएगा उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एज इज आप इसे थोड़ा सा क्या समझ सकते हो, जैसे कि आपका ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है या फीचर्स बताने के बारे में है। व्हाट विल यू गेट इन Unacademy? दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिलेगा डेली लाइव क्लास 24/7 में, कोई ना कोई फैकल्टी आपको लाइव क्लास सेशन दे रहा होता है। और इसके अलावा जो है लाइव टेस्ट हैं, क्यूज हैं। लाइव टेस्ट का जो परफॉर्मेंस होगा वो MCQ बेस्ड पे होगा, और MCQ बेस्ड पे होने के बाद जैसे कि 1-4 ऑप्शन होंगे या A-D4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको पोल भी दिया जाएगा, हिंट भी मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है उसमें एक्सप्लेनेशन कंप्लीट दिया जाता है। और साथ में बच्चों के जो डाउट सेशन होंगे वो कमेंट बॉक्स के थ्रू दूर किए जाएंगे। और ज्योग्राफी का जो कोर्सेज होगा वो एक सिस्टमेटिक ढंग से पूरा किया जाएगा। सिस्टमेटिक ढंग का मतलब है, अगर आपने जैसे कि 1-10 कोई चैप्टर है ना, तो दोस्तों अगर आपने सपोज करो बीच में सब्सक्रिप्शन लेके चैप्टर नंबर 4 से शुरू किया, तो आप 4 से लेके 10 तक जाओगे, फिर आप घूम के 11 से लेके 3 तक आओगे, ठीक है ना। तो ये आपका सिस्टमेटिक ढंग से ऐसा है कि कुछ भी ढूंढने का या कुछ भी मिस होने का चांस ना के बराबर होता है। और सेकेंडली, जो UPSC के लिए सिविल सर्विस एग्जाम का टेस्ट है वो वेरियस और बहुत हार्ड होता है, टफ टू मॉडरेट होता है, मॉडरेट टू भी टफ होता है, और इजी टू मॉडरेट भी होता है, कुछ क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडिया में और पूरे विश्व में COVID-19 की प्रॉब्लम चल रही है, तो ऑलमोस्ट भारत के सभी गांव शहर और जितने भी टाउन्स हैं, जितने भी कोचिंग सेंटर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशन हैं, वो क्लोज हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए बहुत जरूरी है कि इनको बंद रखना। सेकेंडली, आप चाहे किसी भी विलेज में हो, किसी भी टाउन्स में हो,
चाहे किसी भी सिटीज में हो, आप अपने मोबाइल के थ्रू अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हो। बस आपके पास एक सिंपल सा मोबाइल हो, चाहे वो आपका एंड्रॉयड हो, चाहे वो आपका आईफोन हो, व्हाटएवर, डाउनलोड करो अनअकैडमी लर्निंग ऐप और आप किसी भी टाइम 24/7 365 डेज में आप अपनी क्लास को देख सकते हो। अब इसके अलावा जो टॉपिक होगा मैं बताना चाहूंगा अनअकैडमी पर। हेलो हाय, अनअकैडमी पर जो ऐप होगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप, तो दोस्तों आप गूगल प्ले पे जाओ, अगर आपके पास एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड फोन हो तो आप गूगल प्ले पे जाओ और उसके बाद आप उस पर लिखो अनअकैडमी लर्निंग ऐप, सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, और जिसके पास आईफोन हो वो ऐप स्टोर पे जाओ और इसको डाउनलोड करो। दोनों ही हालात में फ्री है, फ्री में यूज आप उसको कर सकते हो। और दोस्तों व्हाट विल यू गेट इफ यू ज्वाइन अनअकैडमी, यू कैन सेट योर माइंड, यू कैन कंप्लीट योर कोर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी, ठीक है ना। जैसे भी जो भी आपने ऑप्शनल चुना होगा, किसी भी फैकल्टी को, किसी भी एजुकेटर्स को आप चुनिए और देखिए उनके पढ़ाने का तरीका कैसा है। इफ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी, इफ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश और बाइलिंगुअल, देन यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज बेस, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू योर मनी, अकॉर्डिंग टू योर फेथ। देन जो भी कोई आपका एजुकेटर्स है वो आपको मेंटली भी प्रिपेयर करें, सिस्टमेटिक ढंग से आपका कोर्स तो पूरा पूरा होगा, इसके अलावा क्या है वो आपको मेंटली भी प्रिपरेशन करेंगे। और हाउ टू क्लियर योर एग्जामिनेशन एंड हाउ टू यू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन प्रीलिम्स एज वेल एज इन मेंस, तो आप उसको कंप्लीट करके सीख सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, टॉप एजुकेटर्स के जुड़ने के लिए आप अनअकैडमी को फॉलो करते रहिए। और मेरा नाम दोस्तों है कृपा शंकर, है ना, सभी को पता है, नाम तो सुना ही होगा, बहुत पुराना डायलॉग है। तो मैं पढ़ाता हूँ दोस्तों ज्योग्राफी, भूगोल, है ना। तो ये जो है आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर होता है, और ये के स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इस पर चर्चा वृहत रूप में पहले कर चुके थे हम कि मेंस में अगर अच्छे अंक प्राप्त करने हो तो कौन सा बेस्ट रहेगा। अब जैसे कि मैंने आपको 10 साल से पहले बताया था कि अनअकैडमी कुछ फीस में अपनी हाइक करने वाला है। अरे वो हाइक क्या क्या होगा उस टाइम पे कोई भी नहीं जानता था। तो दोस्तों एक सेकंड, इतने का दो चार दोस्त जुड़ जाते हैं तो उसको हम सेट कर लेते हैं अपनी क्लासेस को, जो मैं अनअकैडमी के ऐप पर भी देता हूँ। एक्चुअली मेरी माता जी की तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है तो बार बार मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो मैं इस चक्कर में क्लासेस का टाइमिंग भी सेट नहीं कर पाता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप इस प्रॉब्लम को समझेंगे। बस अगर क्लास सेट हो जाती है अकेडमी वाले ऐप पर तो मैं उसको ये भी कर दूंगा। अरे हो जाओ यार, अगर दो चार स्टूडेंट जुड़ जाते हैं लाइव में तो अगर वो काउंटर क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। अच्छा लर्निंग का मतलब ये समझो आप कि जब तक आप काउंटर क्वेश्चन नहीं करोगे ना तब तक मजा भी नहीं आता। कोई भी स्टूडेंट हो काउंटर क्वेश्चन करे और टीचर जवाब ना दे, ये हालांकि काम मेरे को पहले करना चाहिए था। पता नहीं इस टाइम क्लास चालू भी होगी या नहीं, 10:30 बजे से करना चाहूंगा तो होगा 22:30-60 मिनट, लेट्स हैव चेक, नहीं हो पाएगी आज।
चलो दोस्तों बैक टू वर्क। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था दशहरा से पहले कि कुछ फीस के स्ट्रक्चर्स में चेंजेस होने वाला है, तो ये कुछ कोर्सेज के बारे में जान लो। फीस के बारे में तो आप सभी को ऑलमोस्ट पता ही रहता है, क्योंकि एक आप अच्छे जागरूक स्टूडेंट होने की मैं सबसे उम्मीद करता हूँ। अपने लिए बात करता हूँ, ज्योग्राफी के जो है मेंस के पर्पज से 272 कोर्स हैं, जिसमें से 7 न्यू सिलेबस के साथ जुड़े हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है ये मैं आपको बता दूंगा 34 से 35 क्लासेस में या रिचुअल्स में। हम तो जनरली टीचर स्टूडेंट है, हम क्लास बोलते हैं और अनअकैडमी को बोलते हैं रिचुअल्स। चलो कोई भी क्या करता हो अनअकैडमी से जुड़े रहिए। और दोस्तों ये जो क्या बोलते हैं कोड आपको दिख रहा होगा KRIPA, तो जहाँ पे ये मेरा स्क्रीन है, जहाँ पे मेरी फोटो है ये वहाँ पे शो हो रही है, तो आप इसको ठीक से देखो। मेरा जो कोड है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ KRIPA नुमेरिक में 1, ये मेरा कोड है। अगर आप इसको एंटर करते हैं सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, तो आपको जो अमाउंट दिखाया गया है उसमें 10% का अधिक से अधिक डिस्काउंट दे दिया जाएगा। देखो अनअकैडमी का जो एक मंथ का चार्जेस है वो है 9,000 रुपये, 12 महीने एक साल का जो चार्जेस है बच्चों वो है 49,500 रुपये, जिसमें से 54% का डिस्काउंट अलग से मेंशन किया गया है। अब देखो 49,500 कोई बड़ी बात तो है नहीं, वो कैसे नहीं है मैं बताता हूँ। इस पर 10% का डिस्काउंट और मिलेगा, यानी कि 4,950 रुपये का डिस्काउंट इसमें और मिलेगा, तो ऑलमोस्ट ही कितने 44,000 रुपये के आसपास बनेंगे कुछ। मैं तो इतना अच्छा नहीं है, देख लेना। तो दोस्तों अगर आप 44,000 रुपये को 12 महीने से डिवाइड करेंगे, देखो 12 + 36 है ना, तो 0 लगा लो, ऑलमोस्ट आपके 3,000 रुपये 3,000 कुछ रुपये 3100-3200 रुपये आपके ऑलमोस्ट बनने वाले हैं। तो 31,000 रुपये को 3100 रुपये पर मंथ के हिसाब से भी अगर डाल दो आप, तो 30 दिन होते हैं, तो आपके लगभग 100 रुपये पर डे के हिसाब से, तो 100 रुपये पर डे इतना किफायती में UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए कोई भी ऐसा अकेडमी नहीं है जो प्रोवाइड करा रहा हो। तो दोस्तों प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू एंटर KRIPA नुमेरिक में 1 एंड यू विल एंड यू कैन गेट 10% मोर डिस्काउंट ऑन द फीस व्हिच इज गिवन इन दिस टेबल। गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग टू यू। तो इसमें जो ये आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन है, तो इसमें देख लेंगे आप, यहाँ पे 9,000 रुपये है, यहाँ पे 8,100 रुपये है, 12 महीने का यहाँ पे वही 54% का डिस्काउंट के साथ पड़ेगा 44,500 रुपये का, यहाँ पे 49,000 रुपये का ये प्लस वाला है। प्लस आइकॉनिक फर्क क्या है, इस पे जब पेमेंट मोड करेंगे ना तो पता चल जाएगा आपको। 44,000 रुपये पड़ेगा, 44,500 रुपये उसमें 10% का अलग से, तो 4,450 रुपये डिस्काउंट और पड़ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो दोस्तों नॉट फॉरगेट टू एंटर KRIPA नुमेरिक में 1। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आगे फिर से किया है, तो मेरी जो फोटो है राइट हैंड टॉप डाउन है, तो मैं यहीं पे सिर्फ आपको बताना चाहूंगा कि KRIPA नुमेरिक में 1 ये मेरा कोड है, आप प्लीज इसको भूलना नहीं। और दोस्तों आज का जो टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था मिनरल्स के बारे में बात की जा रही है, तो भारत में टोटल ना पूरे विश्व में पहली बात ये समझो लगभग मोटा मोटी तौर पे 8,000 खनिज मिलते हैं। कितने? लगभग 8,000 मिनरल्स। और मिनरल्स हैं क्या? मिनरल्स वही चीजें जो प्राकृतिक रूप से हमें किसी ना किसी रूप से पत्थर के रूप में हो, मिट्टी के रूप में हो, किसी ठोस के रूप में हो, द्रव्य के रूप में हो, गैस के रूप में हो, ईश्वर ने या किसी शक्ति ने हमें प्रदान किए हैं लाइफ को सुगम और सुचारू रूप से चलाने के लिए, है ना। अब जो ऊर्जा के स्रोत हैं, कि रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी, तो जो मिनरल्स हैं, कुछ भी मिनरल्स तब तक खाली है जब तक हमारे पास उसे हम एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर रहे। और आप लोगों को ये भी पता होगा एनर्जी नेवर डाइज, ये कभी नहीं मरती,
ये कभी शेयर नहीं होती, इट कन्वर्टेड इनटू अनदर, कन्वर्टेड टू अनदर, है ना। एक एनर्जी हमेशा दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। श्याम सिंगर, अब आवाज आ रही है दोस्त, प्लीज बताइए आवाज आ रही है। अब मैं एक बार चेक कर लूं। श्याम सिंगर, अंकुश आवाज आ रही है क्या? Give me few minute, just a moment please. हेलो दोस्तों, वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो जाता है यहाँ पे ना नेट को लेके, तो आप लोगों को आवाज अब ठीक आ रही होगी आई होप। इफ आई एम ऑडिबल प्लीज टेल मी। अब आपको आवाज आ रही है प्रॉपर रूप से, तो आप मुझे बताओ, मैं इसको सही कर देता हूँ। श्याम सिंगर, केशव अग्रवाल, प्लीज टेल मी। अब आवाज आपको सही आ रही है तो मैं क्लास कंटिन्यू करना चाहूंगा। ओके दोस्तों, ये पता नहीं जब भी मैं क्लास करूंगा तभी ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हमेशा हमेशा। हद यार, नाउ ओके। हाँ फ्रेंड्स, गिव मी फ्यू मिनट, ये ऐसे बात नहीं बन पाएगी।
आई एम स्टॉपिंग माई क्लास राइट नाउ. हाय फ्रेंड्स, थोड़ा सा वो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था, आवाज नहीं जा रही थी, कुछ स्टूडेंट कंप्लेन कर रहे थे. तो देखता हूँ एक बार मैं फिर से कि इसी स्ट्रीम पे अगर लाइव हूँ तो ठीक है, अदरवाइज क्लास में कल करूंगा. लेट्स चेक इफ इज इट वर्किंग और नॉट. और स्मूथ चल रहा है तो प्लीज दोस्तों जुड़े रहिए. इफ इज इट वर्किंग और स्मूथ चल रहा है तो प्लीज दोस्तों जुड़े रहिए. इफ इज इट वर्किंग तो टॉपिक जो आज था हमारा, टॉपिक जो था हमारा सभी को पता है कि वो था मिनरल्स. वहीं से शुरू करते हैं. तो टॉपिक जो आज था हमारा, टॉपिक जो था हमारा सभी को पता है. Let's start. Great, fine. तो जो हमारा क्लास है आज का वो है मिनरल्स का, यानी कि खनिज तत्व. My dear friend, श्याम सेंगर, sorry for interrupt, and केशव अग्रवाल. ये थोड़ा सा ना नेट का जो स्पीड है ये थोड़ा उसकी वजह से इंटरप्ट हो जाता है. तो डायरेक्ट हम क्लास पे चर्चा करेंगे अब. नो मोर टॉपिक. एग्जैक्टली. तो दोस्तों जो टॉपिक है वो है हमारा मिनरल्स और खनिज. हिंदी में इसको बोलते हैं खनिज. और मैंने बताया था हमारे पास चाहे जो भी मिनरल्स हों, वो हमारे जो कोई भी मिनरल्स हो उससे हमारा जो प्राइम उद्देश्य होता है वो होता है एनर्जी को क्रिएट करना. और एनर्जी ए कन्वर्टेड इनटू ऑलवेज एनर्जी वी, है ना. और बेसिक सा फंडा है इट नेवर डाई, इट नेवर डाइज, ये कभी भी नहीं मरती. ये एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्मेशन में कंटिन्यू फ्लो करती है, बहती है. तो जितने भी मिनरल्स हैं, चाहे वो हमारा आपका कोल हो, अल्मीनियम हो, मैग्नीशियम हो, और इसके साथ साथ आयरन ओर के साथ पेट्रोल और उससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ABCD, बेसिकली ये समझो मोटा मोटी के तौर पे भारत में या पूरे विश्व में लगभग 8000 प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं. और मिनरल्स मिलते हैं तो उनके यूजेस भी अलग हैं. और ये तो होगा जो आपका प्रोडक्ट्स होंगे, और प्रोडक्ट के बाय प्रोडक्ट भी बहुत सारे हैं. तो जिनका जो यूज है वो अनलिमिटेड है, बट रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज ऑफ द मिनरल्स आर वेरी लिमिटेड एंड यूजेस आर अलॉट ऑफ. तो जो हमारे एनर्जी के रिसोर्सेज हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे, बेसिकली ये होता क्या है तो देखेंगे इसके बारे में, है ना. जब क्लास के बीच में ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, तो थोड़ा सा क्या है, लगता है कि जो वो बोर्ड वाली क्लास चलती थी वही बेटर थी, क्योंकि इस पे डिपेंड होना पड़ता है. मैं टेक्नोलॉजी पे चलता तो बहुत स्मूथ है, बाय चांस अगर प्रॉब्लम आ जाए, और जैसा मेरे जैसा कोई स्टूडेंट है या दोस्त है जिसको थोड़ा सा कम हाथ हो इसमें, इसको नहीं जानता हो, तो लगता है कि यार इससे बढ़िया तो अपना मार्कर और स्केच ही सही था. लेकिन मैं भी आपके जैसा ही हूँ, यंग जनरेशन, जल्दी से तो हार मानूंगा नहीं. तो दोस्तों ये बात इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, आपकी जहाँ जिस शहर में रहते होंगे शायद स्पीड अच्छी आती हो. तो जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसके बारे में बात कर रहे हैं. इसके जो फॉर्मेशन है वो हमारे बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं. एक तो होते हैं ट्रेडिशनल, जिसको हम बोलते हैं परंपरागत, और दूसरा होता है हमारा न्यू टेक्निक और मॉडर्न. तो पहले जो ट्रेडिशनल तरीका है उसके बारे में पढ़ेंगे, और ट्रेडिशनल के बाद में जो मॉडर्न तरीके हैं कि हम एनर्जी किन किन चीजों से हम बना सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेडिशनल एनर्जी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स व्हिच कैन क्रिएट बाय, जो ट्रेडिशनल एनर्जी है वो दो प्रकार से होगी. वो होगी हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल कोल, दूसरा होगा पेट्रोलियम. और पेट्रोलियम एंड
कोल आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द एनर्जी इन इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉक अबाउट द कोल कोल डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स इन इंडिया एज वी नो और जो इसके पार्ट्स हैं अलग अलग ईरा में डेवलप हुआ है कोल बेसिकली डेवलप इन द मैनी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईरा विच एवर इस्टेब्लिश और केम एट ए फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द कोल कोल डिवाइडेड इंटू फोर टाइप्स है ना नंबर फर्स्ट एंथ्रासाइट एंथ्रासाइट नंबर टू बिटुमस नंबर थ्री लिग्नाइट एंड नंबर फोर इज पीट अब एंथ्रासाइट में जो है ऑलमोस्ट इट हैज इट कंटेन्स 80-19% ऑफ कार्बन इट इज वेरी प्योर फॉर्मेशन ऑफ द कोल वेरी प्योर फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन विच टाइप ऑफ कोल anthracite and bituminous have 50-60% of carbon and lignite and peat coal are very poor in its quality ab jaise ki maine aapko slides mein mention kiya gaya hai gondwana land or peat lignite bituminous anthracite but what is the tertiary era why it is importance in the production of coal tertiary जो युग है उसका एक अलग ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जितनी भी उस टाइम पे इस लैंड पे पूरे इंडिया में या पूरे विश्व में जैसे कि हम बात कर रहे हैं ना भारत के बारे में तो भारत की बात कर रहे हैं तो जो ट्रियाशीरी ईरा था उस समय भारत में था क्या लंबे लंबे टाइप के पेड़ पौधे थे जिनका जो हाइट होता था वो होता था 100-120 मीटर तक अब जब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हुआ तो ये जो पेड़ हुआ करते थे ये किसी वजह से बीच में से टूट गए या जड़ से उखड़ गए कुछ इस टाइप की ऐसी नेचुरल रिसोर्सेज बनाने के लिए कुछ पृथ्वी पर चेंजेस हुए तो ये जब पेड़ फॉल डाउन हुए तो ये इस फॉर्मेशन में हुए है ना कुछ इधर तो इसके ऊपर कुछ सोयल आई मिट्टी इसको बोलते हैं फिर इस पर से कुछ रॉक्स बनी इसमें से रॉक्स यानी कि चट्टाने फिर से कुछ सोयल्स पड़ी तो इस पर जो प्रेशर पड़ा है बाद में दीज टाइप्स ऑफ ट्री कन्वर्टेड इंटू कोल जो ऊपर वाले कोल हैं वो मिलेंगे आपको पीट लिग्नाइट और जो नीचे आप डेप्थ में जाओगे वो बिटुमस और एंथ्रासाइट में कन्वर्ट मिलेंगे तो जो इतने बिटुमस है या एंथ्रासाइट है लिग्नाइट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है भारत में कहाँ कहाँ वो मिलेगा और कौन सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है चाहे पंचेत है तलचर है दमुडा है गोंडवाना है इसके बारे में आज वृहत रूप में चर्चा करेंगे पेन कॉपी साथ लेके बैठेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा बच्चे भी चले गए कौन तिमार देखेगा तो आप लोगों से उम्मीद है दोस्तों केशव अग्रवाल श्याम सेंगर दोस्तों कम बैक और अपने दोस्तों को भी आप ये लिंक शेयर कर दीजिए प्लीज अब बात करते हैं बेसिकली हम कोल की बात पढ़ रहे हैं कोल माइन इन इंडिया तो कोल माइन इन इंडिया अगर मैं बेसिकली चलता रहूं डायरेक्ट स्टेट्स के नाम ना बता के आपको मोटा मोटी बता दूं तो आप बोलोगे कि ये क्या बोरिंग टाइप की बात है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोल फाउंड इन इंडिया नंबर फर्स्ट झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश दीज आर द मैक्सिमम रिजर्व इन इंडिया As you know, but in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, यहाँ पे आपके secondary type के reserve हैं। अब जैसे ही आपका mention है यहाँ पे सिक्किम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड असम मेघालय यहाँ पे जो रिजर्व है यहाँ पे अभी माइनिंग स्टार्ट नहीं हुई है दोस्तों माइनिंग नॉट स्टार्टेड इट इज ओनली रिजर्व अब इसके अलावा जो ट्रियाशारी ईरा में जो डेवलप हुआ था आपका वो जैसे कि उत्तर प्रदेश से ऊपर एक स्टेट पड़ेगा यहाँ मैं बता देता हूँ मैं आपको उत्तराखंड उत्तराखंड की दोनों बेल्ट हैं गढ़वाल एंड कुमाऊं दोनों में कोल का रिजर्व है ऊपर चले जाएंगे आप हिमाचल एंड कश्मीर जम्मू कश्मीर तो इन दोनों स्टेट्स में भी आपका कोल का रिजर्व है इधर आप आ जाओ महाराष्ट्र के पास छोटा सा स्टेट है गोवा
गोवा में भी कोल रिजर्व है, लेकिन यहाँ पे टूरिज्म इतना अच्छा है कि माइनिंग करके यहाँ पे टूरिज्म को खराब नहीं करना चाहिए और इन्वायरमेंट पे इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनिंग स्टार्ट नहीं की गई है, बट दीज लैंड इज द फुल ऑफ कोल रिजर्व ड्यूरिंग द ट्रियाशारी ईरा। ट्रियाशारी ईरा क्या है, आप मेरा एक चैप्टर है यूट्यूब पे ईरा युग, उसके बारे में पढ़ना उसके बारे में मैंने ठीक से मेंशन किया हुआ है। बट इन इंडिया वी हैव कोल रिजर्व इन झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश, ये स्टेट आप लोगों को याद रखना। अब इसके अलावा जो मेजर कोल फील्ड्स हैं इसके बारे में बताऊंगा। कोल फील्ड्स मेजर ऑफ इंडिया एज आई मेंशन इन दिस स्लाइड्स, रानीगंज। रानीगंज जो है आपका वो वेस्ट बंगाल में स्थित है, और ये जो है तलचर, तलचर में जो है सबसे बड़ी और सबसे मोटी यानी कि डेप्थ टाइप की, बिगेस्ट एंड डेप्थ कोल लाइन है ना कोयले की। और सिंगेरनी आंध्र प्रदेश, और तमिलनाडु में लिग्नाइट, ये जो है मेजर कोल फील्ड्स ऑफ इंडिया है। देखो बेसिक सी मैंने कहां बताया आपको, इसको मैं फिर से बताता हूँ। रानीगंज इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, तलचर इन आंध्र प्रदेश, एंड सिंगेरनी इन उड़ीसा, वो पहले मैंने वाइस वर्सा बोल दिया था, और लिग्नाइट लोकेटेड इन तमिलनाडु। अब ये तो हो गए आपके जितने भी बिगेस्ट हैं। अब इसके अलावा जो ये मेंशन किया गया, जैसे कि ये राजस्थान का एरिया है, ये गुजरात का एरिया है, यहाँ पे थोड़ा गोवा का एरिया है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, तो यहाँ पे जो रिजर्व है इट इज द टोटली माइन फ्री, यहाँ पे कोई भी खनन कोयले का नहीं होता है। अब सोर्सेज ऑफ द कन्वेंशनल एनर्जी, कन्वेंशनल का मतलब है ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत, जो भारत में परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, जैसे कि कोयले की बात चल रही है अभी, कोल है ना, तो कोयले का जो यूज है भारत में 70% कमर्शियल है, यानी कि इसका जो व्यवसाय है पूरा का पूरा व्यापारिक या वाणिज्यिक रूप से पूरा होता है। अब वाणिज्यिक पूरा करने के लिए इसके देखेंगे व्हाट वी हैव, हाउ मैनी क्वांटिटी टोटल ऑफ कोल इन इंडिया, वी हैव ऑलमोस्ट 302 बिलियन टन रिजर्व, यानी कि जितने हमारे पास रिजर्व है वो लगभग 302 बिलियन टन का है दोस्तों। 302 बिलियन टन इज द लार्जेस्ट और बिगेस्ट अकॉर्डिंग टू आवर लैंड। एज वी नो दुनिया में बहुत जगह कोयला मिलता है, लेकिन रिजर्व फॉर्मेशन और लैंड के अकॉर्डिंग हमारा जो है ऑलमोस्ट थर्ड प्लेस है। वी हैव थर्ड प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ द कोल इन द वर्ल्ड, एंड इन इंडिया मेन कोल रिजर्व एज आई टोल्ड यू इन लास्ट स्लाइड्स इन पिक्चर, देखेंगे आप इसको ठीक से, जो मैंने बात की थी बिगेस्ट कोल रिजर्व की, बिगेस्ट कोल रिजर्व ये देखेंगे, इट इज लोकेटेड इन रानीगंज, वेस्ट बंगाल, तलचर वेस्ट बंगाल, बिल्कुल कमेंट आएगा किसी का तभी तो बताऊंगा। तलचर लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, सिंगेरनी इन उड़ीसा एंड लिग्नाइट इन तमिलनाडु। तो इसके अलावा ये देखेंगे जो मैंने बताने की कोशिश की है, मेन कोल रिजर्व इन इंडिया आर लोकेटेड इन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि मैंने क्लास शुरू करी है, मैं आपको बताना भूल गया था स्ट्रीमिंग द्वारा करने के लिए के चक्कर में, यू आर कनेक्टेड विद मी विद अनअकैडमी, इट इज इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म और लेट्स क्रैक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। दोस्तों व्हाट विल यू गेट ऑन द बिहाफ ऑफ अनअकैडमी, यू कैन गेट डेली लाइव क्लासेस ड्यूरिंग दिस सेशन, एंड यू कैन गेट डेली लाइव टेस्ट एंड क्यूज, क्यूज एंड टेस्ट शैल बी इन द फॉर्मेशन ऑफ एमसीक्यू, जिसके चार ऑप्शन होंगे 1 2 3 4 करके,
है ना, तो आप इसमें सही आंसर दे सकते हैं। और स्ट्रक्चर कोर्सेज में आप अन अकेडमी के थ्रू यूपीएससी सिविल सर्विस का कोर्स जितने भी हैं आप सिस्टमेटिक ढंग से पूरा कर सकते हो। और एज यू नो मेरा नाम है दोस्तों कृपा शंकर, है ना, तो आपको मैं पढ़ाता हूँ ज्योग्राफी। और ये तो है यूट्यूब पे, और जो अन अकेडमी का ऐप है उसमें मैं पढ़ाता हूँ दोस्तों एमसीक्यू फॉर्मेशन में करंट अफेयर्स। तो दोस्तों आप चाहे भारतवर्ष के किसी भी देश में रह रहे हो और कहीं भी से भी आप अपनी क्लास को अनलिमिटेड रूप से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना। आपके पास सिर्फ एक मोबाइल होना चाहिए, और इसके अलावा अगर आपके पास कोई एंड्रॉइड फोन है तो आप उस पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने गूगल प्ले स्टोर पे डालो, डाउनलोड करो और अपनी कोचिंग को कंटिन्यू यथावत कर सकते हो। इफ यू हैव एप्पल फोन देन यू गो टू क्लिक ऑन एप स्टोर एंड टाइप दिस अनअकैडमी लर्निंग ऐप, देन एंटर योर मोबाइल नंबर एंड यू कैन गेट ओटीपी, देन इंसर्ट द ओटीपी, देन यू कैन स्टार्ट योर कोर्स व्हाटएवर यू चूज ऑन अनअकैडमी। एज आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स आई एम कृपा शंकर, और मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो एम ए इकोनॉमिक्स है, और मैं अन अकेडमी पे पिछले कुछ मंथ से पढ़ा रहा हूँ, और इससे पहले मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर विभिन्न संस्थानों में पढ़ा रहा हूँ। मेरे पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ज्योग्राफी पढ़ाने का ऑफलाइन का। और दोस्तों अन अकेडमी में आप जुड़ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट एजुकेटर्स हैं टॉप एजुकेटर्स, आप उनके साथ अपनी क्लासेस को फ्री में और कुछ पेड में कर सकते हो, और आप अपने भी जितनी भी क्लासेस होंगी आप सुचारू रूप से कर सकते हो बढ़िया तरीके से। ये मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि कुछ कोर्सेज हैं जो अनअकैडमी नया फॉर्मेशन में शुरू करने वाला है, तो 20 अपकमिंग कोर्सेज हैं, ठीक है ना, जो आपके लगभग 30 से 35 क्लासेज में पूरे हो जाते हैं। जैसे कि मैंने ज्योग्राफी की बात की है, और इसके अलावा फीस में जो चेंजेस हैं मैं आपको उससे पहले बता दूंगा। मेरा नाम है कृपा शंकर, देन KRIPA न्यूमेरिक में 1। दोस्तों सब्सक्राइब करते वक्त ये डालना मत भूलना, आपको इसके अतिरिक्त आपको 10% का डिस्काउंट अलग से दिया जाता है। जैसे कि एक महीने की फीस क्या बोलते हैं 9,000 रुपये है, तो 12 महीने की फीस 54,500 रुपये है। इस 54,500 रुपये में 54% का डिस्काउंट है, 54,500 रुपये नहीं 49,500 है, थोड़ा मैंने डिस्काउंट के चक्कर में वाइस वर्सा हो गया है। तो जैसे भी आप 49,500 रुपये सब्सक्राइब के लिए डालते हैं और सब्सक्रिप्शन के लिए समय मेरा नाम डालते हैं, इंसर्ट करते हैं KRIP नंबर 1, तो दोस्तों आपको 10% का डिस्काउंट अलग से मिलेगा, जिसकी कीमत 4,950 रुपये के आसपास पड़ेगी, ठीक है ना। प्लीज डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब कृपा शंकर SHANKAR अन अकेडमी UNACADEMY, then you can get my all lecture in free, and academy की तरफ से आपको free दिए जाएंगे दोस्तों। और इसके अलावा do not forget to press like and subscribe and bell icon। दोस्तों चर्चा करते हैं क्लास में, फिर से कोल माइन के बारे में बात चलती थी। In India, we produce 70% of total coals to generate energy. And in India, we have almost 302 billion tons reserve of coal. और भारत में जो कोयले का production है वो कहाँ? कार्बनिफेरस देख लें। तो जो भारत में गोंडवाना लैंड
जो है साल में तारों आकाश पानी आंध्र प्रदेश आप ठीक से याद कर लें बार बार इस गोंडवाना स्टार्ट मैंने बारे में मैंने फाइव सेवन अवरीवेल झारखंड चारों झारखंड भी चंद्रपुर टाटा पानी और पाकुड़ी कंपेती नहीं महाराष्ट्र और जो हमें जो वहां पे मोट एवरेज फाइन जैसे कि मैं क्लास में बताया बेस्ट क्वालिटी का क्वालिटी क्वालिटी क्वांटिटी कार्बन
इसमें आया था गोंडवाना के पास। बात किए और उसको दो बार बनी फिर पासिफिक डेवलप हुआ। अब इसमें वाला कोयला आपको मिले राउंड टाइप है तो वो क्वालिटी का कोला बोले तारीख को फर्स्ट वो क्वालिटी एंड लो व्हाट इज द लो क्वालिटी को मेंशन बिकॉज़ इट हैज quantity of the carbon so quantity carbon। अब इसके अलावा पता है अलावा ये बात का अलावा हाँ हाँ हो मात्रा अधिक कार्बन की मात्रा हो बात की थी ब्राउन कोल। ब्राउन कोल जो कोल
अब ब्लैकलाइट भारत में कारो खा पालना खान नागार्जुन नागालैंड पांडिचेरी, और इसके बाद जो है संगीत आर्टिस्ट का ऑफ लाइट एंड नाइट के बाद जो है बस जितना माउंटेन पर लैंड उसमें मैं परसेंट कार्बन ये जो है एकदम सॉलिड फॉर्म और डार्क ब्राउन, अब ठीक से याद रखना। अब एंथ्रासाइट को मैं बार बार बता और पूछा जा कार्बन मिले होता है कार्बन हो झारखंड में कहा की बात कह रहे हैं आपको गिर और चारों बाद पर होगा देखेंगे। छत्तीसगढ़ का जो कोल रिजर्व और कहाँ कहाँ पे मिलता है उसकी चर्चा भी कर लेंगे। थर्ड लार्जेस्ट थर्ड कंट्री कोल रिजर्व कोल रिजर्व कंटेन करता है 8 लाख हवा तो भंडारा का कितना लगता है अच्छे कहीं नहीं आर नॉट प्रेजेंट टॉक्स साइट्स ऑफ मध्य प्रदेश पाड़ा पाड़ा के बाद का राम कोला जो ऑलमोस्ट ताता पानी में भी। अब इसके अलावा जो भारत किसके बारे में कोयला है वो ज्यादातर यूज थर्मल काफी अब जो कोपा कोल थर्मल प्लांट पेंच मोस्टली पावर में
का जो कुल है आपका और नेक्स्ट वेस्ट बंगाल के कौन, अब जैसे कि है 10%, डिस्ट्रिक्ट दार्जिली, माइगुड़ी, रानीगंज, कपूर आइलैंड, दार्जिलिंग कुल है माइनिंग का है वो सारी का जो कुल फंड कुल अब जो है क्या है पर्याप्त बारह इंडिया इज फाउंड इन मैच मेकिंग अब रिजल्ट है ट्रांसपोर्ट चार्ज आई चार्ज हो गया ज्यादा ही हो एंड है ट्रांसपोर्ट बात जो है क्वालिटी को करने की क्वालिटी एज इट इज एनवायरमेंट परफेक्ट ट्रस्ट ट्रस्ट ट्रांसपोर्टेशन अब जो हमारे पास आएगा मालगाड़ी के डिब्बे कमी
गोल्ड माइनिंग टेक्नोलॉजी, गोल्ड माइनिंग हम जो अभी तक माइनिंग कर तो टोटल प्राइस देखेंगे माइनिंग तो पर टाइप पर पर्सन निकाल रहा है, कैपेसिटी बहुत कम निकाल रहा है, कन्वर्जन फुल इज यूज बात कर रहे हैं तरह विजुअल वॉकिंग हाई क्वालिटी लेकुरल इन धातु कर्म वाली इंडस्ट्री क्या है वॉकिंग हाई क्वालिटी का एक्टिव माइनिंग स्टॉप आज ये माइनिंग का एरिया माइनिंग आज माइनिंग माइनिंग बाय द प्रॉपर लॉ एंड ऑल टाइप्स ऑफ द माइंस कोयले की जो खानों पर सभी तरीके बराबर रूप से करनी चाहिए बट इट लॉज रिलेटेड द प्रोटेक्ट एनवायरमेंट कैप शुड स्टॉप बन रही है चोरी भी रुक पर चोरी रेवेन्यू का कलेक्शन जाएगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होगा और स्टॉप्ड स्टॉप्ड का मतलब टाइपिंग मिस डिस्कवर एक कॉल खोज होनी चाहिए और मैन पावर का नक्शा माइनिंग है एक्टिव और क्या करो इसके अलावा जो पेट्रोलियम बारे में बात करेंगे बात करते हैं पेट्रोलियम एनर्जी वाइड रेंज टच अरे क्या बनता है पेट्रोल अरे कई बाई प्रोडक्ट केरोसिन पर ए थर्ड इज फ्यूल सिंथेटिक रबर सिंथेटिक फिलामेंट थर्मोप्लास्टिक
इंक्स साथ में बन आपका आता है कॉस्मेटिक बाय प्रोडक्ट जानवरों का ईंधन है, पेड़ है, प्राकृतिक है, प्लास्टिक इंजन के अलावा बहुत सकते हैं। इसके बारे में बात करते हैं हाउ इट के पेट्रोल हाउ इट के ऑफ द नेचुरल गैस कंसीडर्ड कंसीडर्ड ऑर्गेनिक द बायोलॉजिकल ऑरिजिन ऑर्गेनिज्म एट बरी वेजिटेबल वेजिटेटेड फॉर्मेशन बायोलॉजिकल अदर अदर नेचुरल हुआ बायोलॉजिकल अब इसकी फॉर्मेशन फायर है और इसकी ऑक्स याद हुआ बायोलॉजिकल ओरिजिन से देखेंगे सेल का जो स्ट्रक्चर बाद क्या में जो 1860 में हुई है और वो हुई है असम दो कंपनी ने करी थी और जो नाम था वो आठ में मार्गेटिया रसम मार्गेटिया और जो सेकंड वाला था ऑयल वेल पता पर डिग आप इसको मार्गेट अलावा बदरपुर और जब पापा का सर अलग अलग आज की और ऑयल नाहर कटिया कई क्षेत्र है नाहर कटिया नाहर कटिया में जो ऑयल का जो प्रोडक्शन था स्टार्ट किया था आपको पता है और कमीशन
प्राकृतिक गैस आयोग। अब इन्होंने फॉर्मेशन या दूसरे स्टेप में तक खोज किया, वो बात की खाड़ी कहाँ, अरब सागर में, बात के नहीं, बात 1960 और बात करा दूँ कौन, मुंबई हाई। मुंबई हाई का मतलब तो साउथ वेस्ट आपका ये हाई। अब देखेंगे कुछ टाइप से है। इसके बाद इसमें ठीक आपका एक आपको ये एंड बोल और देखो वाला वाटर वाटर प्रूफ फ्रेश चला जाता है और फॉर ब्लैक कलर की फॉर्मेशन, ब्लैक कलर फॉर्मेशन तेल बालू है और ऊपर से पानी का पानी माइनिंग आपका पानी की जल है पानी की वाटर
बात करनी।